हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी लर्न इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स. नाउ वी लर्न इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म. इफ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, ही इज एंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाउएवर, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ही इज एंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एंड हैंस सच इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देर आर प्रॉफिट्स और नॉट. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज है किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट्स के अगेंस्ट. फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स हमें देना पड़ेगा. इट इज़ ट्रेटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड हैंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जबकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम इसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स इंटरेस्ट लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हैंस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन इफ द फर्म ऑफर्स अ लॉस. इट मस्ट ऑल्सो बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इट इज़ क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट. फॉलोइंग एंट्री आर पास फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. फर्स्ट एंट्री इज फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. एंड सेकेंड एंट्री फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविज़न नहीं दे रखा है इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है कि फर्म को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन चार्ज करेंगे. तो ये हमारे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट था. अब इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे. प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चलिए देखते हैं हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम. रहीम एंड सुदेश, the two partners of a business firm agreed to appropriate the profits of their firm on the following term. First, A. Interest is payable on capital at 5% per annum. Rahim will be entitled to a salary of rupees 500 per month. 500 per month ke hisab se Rahim ko salary milegi. Loan advanced by a partner to the firm is to carry interest at the rate 10% per annum. लोन अगर कोई पार्टनर ने लोन गिवन कर रखा है फर्म को तो 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा. डी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स एट 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट 5% पर एनम. ई, सुदेश विल गेट कमीशन एट द रेट 1% ऑन द सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर. सुदेश को कमीशन दिया जाएगा 1% सेल्स का. रहीम इज एंटाइटल टू अ रेंट ऑफ रुपीज 25,000 पर एनम फॉर फॉलोइंग द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रोमाइजेस. रहीम को 25,000 रुपये पर एनम मतलब हर साल रेंट दिया जाएगा. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2019 was ₹1,75,500 before taking into account any of the above terms. Means firm का जो net profit है 1,75,500 है, ये सब adjustment करने से पहले हमें given है capital balance on 1st April 2018. रहीम और सुदेश की, रहीम की है 1,50,000 एंड सुदेश रुपीज़ 1,40,000. लोन एडवांस टू द फर्म ऑन 1st October 2018. रहीम का कोई लोन एडवांस नहीं है जबकि सुदेश का लोन है 1,00,000 रुपीज़ का.
ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000 30,000। लोन टेकन फ्रॉम द फॉर्म ऑन 1 जुलाई 2018 एट 12% पर एनम 50,000। रहीम ने फर्म से लोन लिया है 50,000 रुपीज़ का, अब 1 जुलाई 2018 को 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 सेल ऑफ द फॉर्म अमाउंटेड टू रुपीज़ 7 लैक्स। साल भर की जो हमारे को सेल दे रखी है फर्म की वो रुपीज़ 7 लैक है। फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट। हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रेंट पेबल अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले पार्टनर्स के लोन का एडजस्टमेंट करना है, रेंट का एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चार्ज लिखेंगे, कितना दे रखा है हमें, क्वेश्चन में गिवन है 1,75,500 रुपीज़ का लिख लिया। उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सुदेश का, जो उसने सुदेश ने 1 लाख रुपए का लोन गिवन है टू इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन। अब 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 10% के हिसाब से, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 10% और हम मंथ देखेंगे कि उसने लोन कब दिया था। उसने लोन दिया था 1 अक्टूबर 2018 को, तो अक्टूबर से और मार्च तक हम मंथ कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ होते हैं। तो हम इसमें 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6 बाय 12। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे और 6 मंथ का जो इंटरेस्ट आता है वो आता है ₹5,000। अब हम इसका रेंट लिखेंगे, रहीम का रेंट है 25,000 पर एनम का, तो टू रेंट, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए हम रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो टू रेंट रहीम का 25,000। इसके बाद हम फर्म ने जो पार्टनर रहीम को लोन दिया है उसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फर्म ने जो लोन दिया है वो है 50,000 का, कब दिया है, 1 जुलाई 2018 को 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो हम 1 जुलाई से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च तक का। 50,000 मल्टीप्लाई 12% 1 जुलाई से और 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, 9 मंथ। तो 9 मंथ का हमने कैलकुलेट करा 9 बाय मल्टीप्लाई 9 बाय 12, तो ये आया हमारा 4,500 रुपीज़। टोटल करेंगे, टोटल करने पर हमारा टोटल जो आ रहा है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, 1,80,000 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि हमें फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,50,000 रुपीज़ का। तो 1,50,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो टोटल का हमने बराबर की इक्वल किया 1,80,000 1,80,000, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का एडजस्टमेंट करते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें पहले भी बनाना सिखाया था, वो हम बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन मैं गिवन कर रहा हूँ आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैंने आपको शो करके दिखाया है कैसे बनेगा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बनाना सिखाया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो हमारा रेंट पेबल अकाउंट भी मैंने आपको शो करके दिखाया है कैसे बनेगा, यह आपको प्रिपेयर करना है। और वर्किंग नोट्स में देखिए, इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट हैज़ बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विल बी क्रेडिटेड टू सेपरेट लोन अकाउंट। मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट के एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो होता है। रेंट पेड टू अ पार्टनर हैज़ बीन ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ ऑल्सो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट पेड भी बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट ऑफ ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर सिक्स, इफ स्पेसिफाइड डेट इज़ नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड। थैंक यू।